आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे फॉर्म्स किस तरीके से हमें क्रिएट करना होता है। फॉर्म जनरली होता क्या है, वेबसाइट्स पे आप लोग देखते हैं जब भी कोई लाइक आपको एडमिशन करना है तो उसका एक फॉर्म आता है जिसमें मान लो आपने नाम पूछा है तो आपको नाम डालना है, एज पूछी है तो एज डालना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब हमें फिलअप करने होते हैं ना। एक साइड में नाम लिखा आएगा, फादर नेम लिखा आएगा, मोबाइल नंबर लिखा आएगा, उसके साथ सामने एक बॉक्स होगा जिसके अंदर आप टाइपिंग करें। वो कैसे बनता है, फॉर्म के थ्रू बनता है, ठीक है। सो एन एचटीएमएल फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, यानी फॉर्म जो क्या होता है वो यूज़र का जनरली इनपुट कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दीज यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर अ प्रोसेसिंग, ताकि हम जो भी हम एडमिशन फॉर्म कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है बेसिकली, ठीक है। आज के टाइम में कोई भी फॉर्म्स होता है और फॉर्म का काफ़ी यूज़ होता है वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, फॉर्म का सेक्शन यूज़ करना होता है, यानी जो एलिमेंट होता है वो फॉर्म होता है। जैसे आपने टेबल लगाते थे तो पहले आप टेबल लिखते थे, वैसे ही फॉर्म के लिए पहले क्या करना है, आपको फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये इसका मेन एलिमेंट है, जो हमारा कंटेंट आएगा सारा किसके अंदर आएगा, फॉर्म सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमें अलग अलग जो इनपुट सेक्शंस होते हैं वो बेसिकली यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे इनपुट टाइप जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो बटन है तो एक रेडियो बटन के लिए होता है, ये सारे अलग इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एक बना रखा है फॉर्म इस तरीके से, तो ये आपने फॉर्म लिखा है, लेबल नेम आपको लिखना है, फोर एफ फ्रेम नेम यानी फर्स्ट नेम क्या रखना है आपको, तो लेबल से बी आर यानी कि नेक्स्ट लाइन में क्लोज करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमने इनपुट ले लिया टाइप, ठीक है। टाइप में हमने जो है लिख दिया टेक्स्ट, वहाँ पर टेक्स्ट लिख सके। आईडी में हमने एफ नेम लिख दिया और यहाँ भी सेम वही लिख दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक फिल टेक्स्ट बनाया। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे तो वहाँ पे कैसा आएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है जिसमें मैंने पहले एचटीएमएल लिख दिया है, ठीक है। एंड मेन हमारे यहाँ बॉडी के अंदर जो मैंने लिखा है इस फॉर्म के लिए, यहाँ पे ये फॉर्म हमने लिखा है, ठीक है। फॉर्म यहाँ क्लोज कर दिया है। फिर हमने ऊपर जो हमारा टेक्स्ट आ रहा यानी कि फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के मैंने क्या किया, लेबलिंग लगाई यहाँ पे, लेबल फोर यानी किस चीज़ की लगा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एफ यानी कि फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। आप पूरा फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। और फिर वहाँ पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम, तो ये हमने फर्स्ट नेम यहाँ लिख दिया और लेबल को क्लोज कर दिया। तो लेबल हम तब लगाएंगे जब हमें उस इनपुट से पहले हमें जो दिखाना है, जैसे हम मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो जो मोबाइल लिखोगे वो लेबल के थ्रू आएगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे वो इनपुट के थ्रू आएगा, ओके। तो ये हमने फिलहाल लेबल लगा लिया। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे इनपुट टाइप ने लगाया है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारा बॉक्स आ रहा है इसके लिए मैंने इनपुट टाइप यूज़ किया है। फिर उसका नाम मैंने दे दिया टैक्टिक है, और उसका आईडी नेम भी डिफाइन कर दो, तो मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया है, ठीक है। नेम एज अ फर्स्ट नेम सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, इसके बाद हमें एंटर चाहिए था तो मैंने बी आर टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर सेकेंड हमें लास्ट नेम चाहिए तो लेबल फोर कर दिया, एल नेम यानी कि लास्ट नेम, और क्या लिखा होना चाहिए वहाँ पे, लास्ट नेम लिखा होना चाहिए, लेबल को क्लोज कर दिया, कोलन भी लगा दी ताकि साथ में कोलन भी यहाँ पे आए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद हमें जो इनपुट टेक्स्ट चाहिए तो हमने इनपुट टाइप लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, आईडी और जो भी नाम लिखना है एल लास्ट में। तो ये आईडी नाम लिखना इसलिए जरूरी होता है कि जो डेवलपर है वो इसके अंदर डाटा को लिंक करा पाए कि जो भी यूज़र फॉर्म फिलअप करेगा, फिलअप करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आईडी डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक का अलग नेम रहेगा। एंड देन नेम के साथ में वही लास्ट नेम लिख दिया और फॉर्म यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट नेम है, आप यहाँ फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट नेम रोहित, यहाँ पे हमने, ठीक है। ऐसे हम लास्ट में सबमिट का बटन भी बना सकते हैं, अभी देखेंगे और क्या क्या आएगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या आइए समझते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, सर्कल का होता है, उसमें बीच में डॉट आता है। जैसे आपने कभी एमसीक्यू का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होता है, तो उसमें सर्कल वाला बटन होता है, कई जगह पे स्क्वायर वाला भी होता है, ठीक है। स्क्वायर वाले को बोलते हैं चेक बॉक्स, और गोल वाले बटन को बोलते हैं रेडियो बटन्स, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनाना है, देखिए ये मैंने कोई फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने इनपुट टाइप दिया है रेडियो, ठीक है। आई डी एचटीएमएल है, नेम हमारा जो भी आपको लैंग्वेज रखना है उसके लिए है, वैल्यू एचटीएमएल कर दिया। फिर उसके लेबलिंग क्या करना है आपको, जो आपको नाम चाहिए, ठीक है। तो रेडियो का मतलब है रेडियो बटन आएगा, और लेबल का मतलब क्या है, वहाँ पे टेक्स्ट क्या चाहिए आप। जैसे अभी एक काम करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो मैं उसी फॉर्म के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो इसी फॉर्म के अंदर, क्योंकि फॉर्म एक ही है तो उसी के अंदर पेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आएगा, रेडियो टाइप में मैंने रेडियो बटन बनाया है, ठीक है। आईडी एज एचटीएमएल लिख दिया है और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो यहाँ से लेबल पर एचटीएमएल आएगा। इसका देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है, इसको सेव कर लीजिए और यहाँ आ जाइए आप।
ये देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम इसके नीचे चाहिए तो क्या करो, रेडियो यहाँ पे आप बी आर टैग लगा दो सबसे पहले, ताकि वो नीचे आ जाए इसके। यहाँ पे आप बी आर टैग दोनों ही सेम मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए, आप देख सकते हैं ये तीन ऑप्शन आ रहा है, इसमें से टिक करने के लिए पूछ रहा है, यानी उसके पहले आपने टिक कर सकते हैं, कोई एक ही लेगा ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिख दिया जेंडर मेल या फीमेल, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे टिक करने के पूछ सकते हैं क्या रहे है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लेबलिंग आ रही है, लेबल नहीं, पहले आपका जो है रेडियो बटन आ रहा है, फिर उसके अंदर जो कंटेंट है वो आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली पहले हमने इनपुट टाइप में लिख दिया रेडियो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से आई डी एस टी एम एल, क्योंकि एस टी एम एल क्या रहेगा नाम, ठीक है, आई डी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो डाटा स्टोर हो सके। नेम क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने अभी एफ भी लैंग्वेज कर दिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे आप सेम एस टी एम एल ही दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैल्यू आप दे दो यहाँ से एस टी एम एल, ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, तो अब आप देख सकते हैं सेम ही रहेगा। इसमें आपको एक काम करना है, अभी जैसे क्या हो रहा है, हमारे दो टिक हो रहे हैं एक्चुअली एक बार में, है ना, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ना आपको फेवरेट लैंग्वेज करना है नेम, यानी इससे क्या होगा, एक बार में एक ही लेगा आपका, एक बार में वो एक ही लेगा, मतलब जैसे तीन चार लगा रखे होंगे तो एक ही सेक्शन यूज करेगा वो, ठीक है। और बाकी ये हमारा टेक्स्ट के लिए हो गया लेबलिंग, जो हमारे यहाँ एस्टेम में लिखा हुआ है, तो सेम यही चीज़ आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो नेक्स्ट आपको बटन बनाना है उसका नाम आप सेट कर दो। तो आइडिया हमने सी एस कर दिया, हाँ, फिर ये सभी में आएगा, इससे सभी में आएगा ना, ताकि मान लो हमने चार पांच ऑप्शन दे दिए, अब उसमें से किसी बंदे को एक ही टिक करना है, तो इसलिए आपने ये यूज़ करना। अगर उसके पास ऑप्शन रहे कि वो चारों में से चारों टिक कर पाए, ठीक है, तो आपने ये जो नेम वाला सेक्शन है ये नहीं यूज, इससे क्या होगा हटाने से कि वो चारों यूज, जैसे तीन ऑप्शन है तो हमारे तीनों यूज़ कर पाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, वो इसलिए ना क्योंकि मैंने एक से हटा दिया था अभी, तो दो दो में तो नहीं लगे थे ना, दो में से एक सेलेक्ट हो रहा था, जिसमें से हटा दिया था वो तो सेलेक्ट हो गई होगा, तो दो सेलेक्ट होंगे ना। अब अगर आप देखो तीनों में से हटा देते हैं, जैसे अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया एंड यहाँ से भी हटा दिया, सेव कर लो F5, तब क्या होगा कि आप तीनों ही टिक कर पाओगे, ठीक है, ये रहेगा। तो जहाँ पे हमें दिखाना है कि हाँ भाई तीनों ही टिक करने हैं, ऑप्शन पूछेगा कि क्या क्या आप इस कैटेगरी में आते हो, तो आप चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन जहाँ पे चार में से एक ऑप्शन टिक करना है आपको, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें यूज़ करनी होगी नेम फील्ड में, ठीक है। तो आप कॉपी करो, के बाद इनपुट टाइप के अंदर आप पेस्ट करो, यहाँ इनपुट टाइप के बाद पेस्ट करो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप तीनों में से एक ही टिक कर पाएंगे, या तो ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है, तो ये हमें दोनों ही यूज़ करने पड़े, क्लियर। तो ये हो गया आपका रेडियो बटन के लिए, तो उसका जो मेन आपका सिंटेक्स है वो ये है बेसिक, ठीक है। टेक्स्ट के लिए ये रहे आपका, बस अब आपको जहाँ जहाँ जितने यूज़ करने हैं कॉपी करके आप यूज़ करते रहिए, बदलते रहिए, क्लियर। चेकबॉक्स का लगाएगा बताया ना अभी, ये रेडियो बटन का मतलब है गोल ही आएगा, अगर आपको चाहिए रेक्टेंगुलर तो उसके आगे वही बताऊंगा कि चेकबॉक्स आएगा, चेकबॉक्स में क्या रहेगा वो रेक्टेंगल टाइप में आएगा, ओके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चेकबॉक्स, ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करना है, सेम इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपका इनपुट में चेकबॉक्स आता है, जैसे हम रेडियो बटन लिखते थे यहाँ चेकबॉक्स लिखेंगे, जैसे ये है दिस इज द एचटीएमएल कोड, यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक फॉर्म से पहले कॉपी किया, यहाँ पे गए और इसमें हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे इसके बाद स्पेस चाहिए, तो बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि वो उसके नीचे आए से। अब आप यहाँ पे आ जाइए F5, अब देख सकते हैं आई हैव अ बाइक, यस, इसमें चारों ही टिक करने वाले होते हैं, चेकबुक हमेशा एक नहीं होता, ये ध्यान रखना, रेडियो बटन हमेशा एक होता है, लेकिन चेकबुक तब लगाना जब आपको एक से ज़्यादा मार्क टिक करने हो, ठीक है। तो इसमें आपका जब आपको सारे टिक करवाने हो या एक से ज़्यादा टिक करवाने हो तो फिर आपको चेकबॉक्स यूज़ करना है, ये रेक्टेंगल टाइप में आ जाए, ओके, ये रहेगा। हाँ, जहाँ आपको मान लो मेल फीमेल टिक करना है वो ये लगा दो, जहाँ आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है वहाँ पे चेकबॉक्स लगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज डालना है कि हाँ भाई कैटेगरी तो एक ही होगी ना, जनरल होगा या EWS होगा या OBC होगा या ST होगा, तो वहाँ पर रेडियो बटन लगा दो ताकि बंदा एक ही हो टिक कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन और चेकबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाँ फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, नेम कैसे यूज़ कराना है, चेकबॉक्स कैसे यूज़ करना है, रेडियो बटन कैसे यूज़ करना है। इसके आगे भी और भी है, सबमिशन वगैरह के बटन कैसे बनाने हैं, इमेज कैसे अटैचमेंट करनी है, और भी कई सारे आएंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।